हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ. और मैं हूँ वर्षा. ये देखिए, मेरे हाथ में चटपटी सी प्लेट है. आज सर्दी के मौसम में इस तरह से चाय के साथ चटपटे से कुछ पकोड़े मिल जाए तो बस मजा ही आ जाता है. और अगर इन पकोड़ों में चाइनीज फ्लेवर हो तो क्या कहना. जी हाँ, ये मैंने बनाए हैं चाइनीज पकौड़ा. तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं. चाइनीज पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ये कुछ वेजीज ली है जिन्हें मैं एक साथ चॉपर में चॉप करूंगी. ये मैंने लिया है एक छोटा सा बीटरूट जस्ट कलर के लिए, साथ ही ली है थोड़ी सी फूलगोभी. आप चाहे तो आप पत्ता गोभी भी यूज कर सकते हैं. आधी शिमला मिर्च, 4 से 5 बीन्स, एक गाजर और एक ये मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन. और साथ में मैं ले रही हूँ एक हरी मिर्च. स्प्रिंग अनियन के साथ मैं उसके ग्रीन्स भी एड करूंगी. तो चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ चॉप कर लेते हैं. मैंने सभी सब्जियों को चॉप कर लिया. ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने महीन चॉप किया है. और आप चाहें तो आप सब्जियों को ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर बारीक काट भी सकते हैं. अब इसमें ऐड करते हैं आधी चम्मच नमक, साथ में इसमें डालते हैं आधी चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 कप मैदा, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ही चिली सॉस. आप ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं. अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और एक डो की तरह फॉर्म करते हैं. डो बनकर तैयार है और आप कलर देख सकते हैं बीटरूट की वजह से कितना बढ़िया कलर आया है. और कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी सफिशियंट ऑयल ले लिया है फ्राई करने के लिए. तो चलिए अब ऑयल को थोड़ा गर्म करते हैं और एक एक पकौड़ा फ्राई करते हैं. ऑयल गर्म हो चुका है तो चलिए अब उसमें इस तरह से ये बनाते हैं छोटे छोटे से पकौड़े और डाल देते हैं. बस इस तरह से हाथ में लीजिए और पकौड़ों को आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाएं, नहीं तो अंदर से जो इसका मैदा है वो कच्चा रह जाएगा. और ऑयल से निकालने से पहले आप नाइफ से चेक भी कर सकते हैं कि मैदा पूरी तरह से अंदर से पका है या नहीं. मैं सारे पकौड़े एक ही बार में डाल चुकी हूं. अब इसको चेक कर लेते हैं नाइफ की हेल्प से. अगर नाइफ क्लीन वापस आए दैट मीन्स पकोड़े पक चुके हैं. ये देखिए, नाइफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन वापस आया है. देखिए और देख लेते हैं. अभी इसमें थोड़ा सा है जिसे पकना बाकी है, तो मैं थोड़ी देर इन्हें और इस तरह से रहने देती हूं. फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है. फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पकोड़े तैयार हैं. ये देखिए, नाइफ बिल्कुल क्लीन है, पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं. तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं. तैयार है गर्मा गर्म चाइनीज पकोड़ा. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. और ये रेसिपी बच्चों के लिए मैंने स्पेशली बनाई है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी वेजीज ऐड की है और टेस्ट तो इसका एकदम लाजवाब बना है. और साथ में मैंने इसे ग्रीन चटनी के ऊपर थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल के सर्व किया है, सो दैट जब दोनों मिक्स होंगी तो टेस्ट बहुत ऑसम हो जाएगा. तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो. फिर मिलूंगी एक और किसी चटपटी सी वीडियो के साथ. तब तक बाय.